देख रहे हैं आपका बड़का बड़का आ गया है ना, अभी बड़का बड़का आ गया है तो गैप से बनाना चाहिएगा। ये दोनों के बीच आपका हो जाएगा 28 का गैप, 30 का, 28 के बीच 30 का गैप हो जाएगा 32, इसके बीच कितना का गैप है सोच देखिए। सर इसमें भी स्क्वायर वाला रूल लग रहा लग रहा है ना। अच्छा पहले गैप से देख लेते हैं, 32 का कितना, 32 है, आई एम में 30 में हो जाएगा 28 34 का, 34 का है ना, इससे कोई लिंक बैठ रहा है 28 30 32 34 तो अगला क्या होना चाहिए 36 हो जाएगा। 36 आप जोड़ दिए तो 6 4 10 का 0 हो जाएगा, 9 3 12 13 का 3 हो जाएगा, ये कितना रहता है। तो ये तो गैपो से मिल गया, लेकिन ये लॉजिक क्या था पता है, स्क्वायर वाला है, स्क्वायर वाला है, ई 13 के स्क्वायर प्लस 1 है, 13 के स्क्वायर 169 प्लस 6 14 के स्क्वायर है प्लस 2 वाला लॉजिक था, 15 के स्क्वायर प्लस 3 वाला लॉजिक था, 16 उसी प्रकार से ऐसे हो रहा है, 16 के हो जाएगा, 17 के हो जाएगा, यहाँ किसका होना चाहिए 18 के स्क्वायर हो जाएगा, क्या बढ़ेगा 3 4 5 तो ये में कितना बढ़ेगा 6, तो ये 324 हो जाएगा प्लस में 6 तो कितना मिल जाएगा 300, तो ये दोनों लॉजिक से भरा गया। जब बड़का बड़का रहे ना तो स्क्वायर वाला पर देख लीजिएगा, अंदाजा लगाइएगा कि स्क्वायर स्क्वायर वाला जाएगा, इधर गैपों पर धरा गया तनके मनके के अंदर था तो बुझा रहा, हाँ तनके मनके के अंदर था तो तनी बुझा रहा था ठीक से, अब 100 150 200 के अंतर जाएगा तो वहाँ तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए स्क्वायर वाला नया। ये 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 है 6 है 14 है 23 है 87 है, अगला क्या होगा, अगला ये 4 में से कोई एगो है भाई, हमको लॉजिक धरना है ना। देखिए गैप से जाइए तो ये गैप से जाना पड़ेगा, गैप के बिना आप देख रहे इसको देखते हैं तो 5 × 1 का प्लस 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा, गुना वाला बात करते हैं तब जैसे करेंगे कि 5 × 1 का प्लस 1 तो कितना हो जाता है, और 6 × 2 का प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा ना, 14 बना दो 14 आपकी 14 × 2 का प्लस 3 होगा, तो ये तो गड़बड़ा गया, तो ई वाला सिस्टम माने। अब गैप वाला जाइए, गैप निकाल के देखिए हो रहा है क्या, 5 × 1 = 6 = 8 कुछ निकला, ये हो जाएगा एक गैप है, ये हो जाएगा 8 की 9 ये बहुत का हाँ लंबा है, कितना है तो ये हो जाएगा 4 64 हो गया था कुछ, देखिए एक का स्क्वायर 8 के स्क्वायर यहां 64 है तो 9 के स्क्वायर इसमें 81 जुड़ जाएगा, स्क्वायर वाला है हां स्क्वायर जुड़ जाएगा, देखिए सर यहां 8 के सीधे स्क्वायर बढ़ गया 64, 8 के सीधे यहां बढ़ गया 64 फिर यहां अच्छा इनमें से कोई लॉजिक है, इनमें तो 1 के स्क्वायर 1 ही होगा, ये तो 8 के अब यहां से हो गया 8 के स्क्वायर सीधे बढ़ गया 64, 9 के स्क्वायर अगर 9 × 81 लगाते हैं अच्छा हां तो 81 तो आंसर नहीं है ना, इसको एक का स्क्वायर बोल सकते हैं ना, नहीं आंसर आंसर नहीं है, सोच रहे आंसर 112 होगा, 1 का स्क्वायर सही है, उसके बाद इसको देखिए किसी का तो स्क्वायर नहीं है लेकिन ये है ना 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर है, 8 के स्क्वायर है लेकिन हम 1 के बाद 3 के बाद डायरेक्ट 8 नहीं लगा सकते, ये कोई लॉजिक नहीं रहता है, ये हो जाएगा 2 का क्यूब समझ रहे हैं, ये हो जाएगा 4 का क्यूब 4 के 64, 1 2 3 4 बढ़ रहा है सीरीज से, तो ये स्क्वायर है फिर स्क्वायर है क्यू है फिर क्यू है तो स्क्वायर क्यू स्क्वायर क्यू आ रहा है, आगे किसका स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 5 का स्क्वायर 25 इसमें क्या होने वाला है ऐड ना होगा, बढ़ रहा था तो इसमें 25 आप ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12 के 2 112 चलिए आया, लॉजिक लगा रहे हैं कि भाई
छह है बीस है तो एक अंतर हो जाएगा 14 का अंतर आगे होना चाहिए था 34 ऑप्शन में तो है ये नहीं है दो अपना से कैसे बढ़ा देंगे हाँ, एक गैप करके मतलब अंतर निकालते हैं तो ये जो है एक गैप करके अंतर निकाल लेते हैं। अच्छा इकरा बीच हो जाएगा अंतर 14। अच्छा ये बढ़ रहा है 14 बढ़ रहा है ये कर लिए 14 बढ़ रहा है तो भाई इकरा बीच 14 बढ़ना चाहिए धर लिए बस हो गया। अब क्या सोचना है की है ना ये 2 के स्क्वायर + 2 है ठीक है यो 2 के स्क्वायर यो जो है यो 2 के स्क्वायर + 2 है आई 4 के स्क्वायर + 4 है यो क्या हो जाएगा 4 के स्क्वायर + 4 2 बढ़ा 2 हुआ फिर 4 हुआ अब क्या होता है 6 के स्क्वायर + 6 तो 6 कितना होता है 46 हाँ 6 36 + 6 कितना हो जाएगा हाय ऑप्शन क्वेश्चन में ऐसा प्रश्न पूछेगा जय के स्क्वायर करेंगे इधर जय उतना प्लस कर अब हो सकता है कि यहाँ 7 रहे यहाँ 7 रहे यहाँ 21 रहे यहाँ भी 21 रहे तो 2 के स्क्वायर + 3 कितना कर सकते थे 3 कर सकते 7 लाना इस बार मतलब हमको एगो मिल जाना चाहिए कोई टाइप नहीं अपना लिंक मिल जाना चाहिए इसको और दूसरा भी तरीका से हम कर सकते थे 3 के स्क्वायर - 2 कर सकते थे 3 के स्क्वायर 9 और 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा ना ऐसे ना हो सकता है कुछ हो सकता है लॉजिक खोज लीजिए बस मच्छर है वो ऑल आउट आज लाएंगे हमको भी बहुत काटता है पढ़ने नहीं देता है सही से हम लगाए हुए थे ना ये क्या लगाए हुए सब पैसा का जिया दिया मच्छर बड़ी काट रहा है तीन में पढ़ने के लिए बैठते हैं तो मच्छर दानी लगे परेशान करता है हाँ तो मच्छर दानी खोलवे लग करे लागल है तो है कौन मच्छर दानी लगा मच्छर दानी लगा के पढ़ेगा मच्छर दानी लगा के अगर आप पढ़ रहे हैं तो नींद लग जाए नींद आदत हो जाता है मेन बात है मच्छर अच्छा काटवे नहीं करेगा तो नींद लग जाएगा मच्छर काटेगा तो जगले रहिएगा कुछ समय तक मच्छर काटता है तो नींद खुल जाता है मच्छरदानी लगा के पढ़ेंगे